अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर टीचर मिस सैयदा फातिमा नूर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट होम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, मनी। देयर इज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट मनी। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर पर्सन। फॉर ऑब्वियसली यू मस्ट नो दैट to buy anything or to get any service from another person we need money. Okay, whenever you went to a shop to buy chips or toffees or anything, you needed money, right? You had to give the money to the shopkeeper so that you can have your chips or toffees or etc. Without money, no one's gonna give you anything, right? So you need money to get a service or a good. You know already what are goods and services. We have done it. Okay, so around 1200 BC in China, Kori shells became the first medium of exchange and continued to be used as money for a long time. China mein sabse pehle कोई शेल्स को यूज़ किया जाता था एंड दैट इज़ द फर्स्ट मीडियम फॉर एक्सचेंज एंड इट रिमेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम एज मनी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मनी। इन 500 BC पीसेस ऑफ सिल्वर वर यूज्ड एज कॉइंस। इवेंचुअली कॉइंस वर प्रोड्यूस्ड विद फेसेस ऑफ एम्परर्स इम्प्रिंटेड ऑन देम। 500 BC में सिल्वर के पीसेस को एज कॉइन यूज़ किया जाता था। दैन इवेंचुअली उस पर जो कॉइन्स थे उन पर जो एम्परर्स थे उस टाइम के उनकी जो फेसेस थे उन्हें प्रिंट किया जाता था, मतलब प्रिंट किया जाता था। गोल्ड कॉइन्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन लीबिया व्हिच इज़ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे तुर्की। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को लीबिया में प्रोड्यूस किया गया जो कि अभी भी तुर्की का पार्ट है। लीबिया तुर्की का पार्ट है, नॉट गोल्ड कॉइन्स। ओके, लेटर कॉइन्स वर मेड फ्रॉम अदर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन पर्शिया, रोम एंड मैसिडोनिया। इन 118 BC द फर्स्ट बैंक नोट्स वर produced in China. They were made of leather, each 1 foot 30 centimeter square piece of white deer skin. These notes were used in exchange for other goods. सबसे पहले जो बैंक नोट्स बनाए गए वो चाइना में प्रोड्यूस हुए, जो लेदर की से बने हुए थे। उनका साइज 1 foot 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस होता था, डियर स्किन का, वाइट डियर स्किन का, और वो एक्सचेंज के लिए गुड्स यूज होते थे। इन 806 AD पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड इन चाइना एंड यूज एज करेंसी। नाउडेज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देयर करेंसीज एज शोन बिलो। पेपर मनी भी सबसे पहले चाइना ने इन्वेंट किया, उसे करेंसी के तौर पे यूज़ किया। अब जो है पेपर नोट्स और कॉइन्स दोनों यूज़ होते हैं बहुत कंट्रीज़ में। नीचे मैप में आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया है। फॉर एग्जांपल USA द करेंसी और मनी ऑफ USA इज डॉलर। द करेंसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज कॉल्ड पाउंड। यूरोप यूरो, सऊदी अरेबिया रियाल, पाकिस्तान रुपी, जापान येन। वी कांट यूजुअली स्पेंड द करेंसी ऑफ वन कंट्री इन अनदर, सो व्हेन वी ट्रैवल वी नीड टू एक्सचेंज द करेंसी ऑफ आवर ओन कंट्री फॉर दैट ऑफ द कंट्री टू विच वी आर ट्रैवलिंग। व्हेन वी कैन एक्सचेंज मनी एट बैंक्स और मनी चेंजर्स। ऑब्वियसली यू नो व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री और so we need to go to the money exchanger so that we can exchange our money to the country we are going. जिस कंट्री में भी हम जा रहे हैं
वहाँ की मनी में हम उसे एक्सचेंज कराते हैं सो दैट वी कैन बाय थिंग्स एट दैट कंट्री, बिकॉज विदाउट मनी यू कांट बाय एनीथिंग. ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ यू कैन गो टू आर बैंक और मनी एक्सचेंजेस, सो यू कैन ऑब्वियसली बाय थिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री यू आर ट्रेवलिंग. Nowadays, we can pay not only by using cash but also by using credit or debit cards. Credit and debit cards are also known as plastic money, and we can use them instead of paper money. When we buy something using a credit card, we pay the amount we have spent back to the bank sometime later. If it is not paid back on time, the bank will start to charge extra money called interest on the money that is owed. सो जब आजकल वी कैन यूज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स टू पे फॉर थिंग्स वी आर बाइंग. क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी. एंड व्हेनेवर वी बाय समथिंग एंड वी आर पेइंग थ्रू द क्रेडिट कार्ड, इट इज़ बेसिकली वी आर well usually this concept has been changed. You have your own money in your bank account obviously, and you are taking out that money to purchase anything, so you will not be charged in with interest. But for example, you are taking a loan from the bank and you are not giving them on time. For example, you have a time period of 1 month to give the money back, only then they will charge an interest amount. Otherwise, you don't give interest. Interest is sood, which is not permissible in Islam. So, जब भी आप for example loan ले रहे हैं bank से और आपको एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक मंथ में आपको देनी है वो रकम वापस बैंक को, एंड इफ़ यू फेल्ड टू गिव देम बैक देयर मनी, तो सिर्फ तब आपके ऊपर एक क्या कहते हैं एक सो अगर आप वो मनी देने से आप नहीं दे पाते जो कि बैंक को वापस करनी है, तो आप पर एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है आपको देनी पड़ेगी, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर लेट बाई 1 month, आपने एक महीने बाद किया है, तो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि वो पर डे चार्जेस काउंट करते हैं, कुछ जो है आपको बैंक्स में यूजुअली पर डे नहीं होता, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर मंथ कि आपने एक मंथ डिले की है पेमेंट, तो आपके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 2% इंटरेस्ट होगा. जितने रकम देना है उसका 2% इंटरेस्ट आपको देना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैड टू रिटर्न 10,000 rupees, सो उसका 2% आपको 200 देना होगा. ओके, एज ए इंटरेस्ट. Okay, a newer form of payment is electronic transfer of money. This uses the internet to transfer money either within one country or internationally between businesses or individuals. This method of payment has made business dealings for easier, faster and more secure than ever before. Ab you can transfer money from your bank to another bank. Whether it is in your country or in another country. Now you can pay your bills online, you can do a lot of things online. There are options when you purchase an item from online. Either you can give your cash on delivery or you can give the credit card number, and that amount will be deducted from your account. Okay, so electronic transfer ka bahut fayda hai agar dekha jaye to business ya individuals ke liye.
For example, if you are purchasing, and basically that made a lot of things easier. अब जो है लोग बाहर के ममालिक से भी परचेज कर लेते हैं अपने मुल्क में बैठे हुए, एंड द कोरियर सर्विस विल ब्रिंग इट टू योर कंट्री. यू कैन पे दैम ऑनलाइन फ्रॉम योर अकाउंट, योर बैंक अकाउंट ऑब्वियसली. सो इट मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ईजियर, एंड दैट्स वाई बाइंग बिकम्स ईजियर एंड इट बिकम्स ग्लोबल. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नो, इफ यू हैव नो अबाउट अमेजोन और मिनिसो, दे आर ऑल दी बेसिकली अब्रॉड शॉप्स और ब्रांड्स, एंड वी कैन बाय फ्रॉम देम एंड वी कैन पे देम ऑनलाइन फ्रॉम आर बैंक अकाउंट. सो इट मेड easier for people, individuals and businessmen to transfer their money and to buy things online and to do deals online. And it is secure because you are not actually paying your money, the paper money, but you are paying it virtually. Okay, so the transfer is between the banks. Basically, money in our lives, a commodity, is something which can be bought and sold. Money too is a commodity. The main difference between it and other commodities is that while other commodities can only be exchanged with each other, money has a purchasing power. It is freely acceptable around the world for buying things. कोई भी चीज़ जो हम खरीद सकें या बेच सकें उसे हम कमोडिटी कहते हैं. मनी भी एक कमोडिटी है, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज, बिटवीन मनी एंड द कमोडिटी इज दैट किसी कमोडिटी को हम परचेज करने के लिए कोई चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते. हम एक्सचेंज तो कर सकते हैं, बट वी कैन बाय, वी कैन बाय समथिंग बाय यूजिंग अ कमोडिटी. कि मैं तुम्हें अपना एक सूट दे रहा हूँ, so please give me some chips in place of that. You can't do this now. So at पहले के ज़माने में होता था that people used to sell their grains, for example flour, wheat or rice, when there is no actual currency present or money. So they use their grains as money or the household items, for example cutlery, steel cutlery etc, or pottery items, so that they can buy other things. For example, they are going to buy a cloth piece with the help of the pottery they made. So it happened when there is no money, but now it can't be happened. Ki aapne, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ले गए दाल चावल घर से कि ये दाल चावल रख लो और मुझे जो है चिप्स दे दो या बिरयानी दे दो. नो, सो इट कांट हैपन नाउ. ओके, सो इट ओनली कैन हैपन व्हेन यू हैव मनी, सो देन यू कैन परचेज एनीथिंग नाउ. एंड ऑब्वियसली मनी इज फ्रीली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, एनीवेयर. Money is important for the purchase of necessities and amenities as well as luxuries. Necessities are the items all human beings need for survival. For example, food, clothing and shelter. Shelter से यहाँ मुराद आपका घर है, ठीक है. Amenities are the services that people need, such as health, education and transport. Okay, first of all, I need to make it clear that necessities are the items. Okay, ये चीज़ें हैं जो हम खरीद रहे हैं, जो हमारी requirement है. Either it is food, clothing और shelter. ये सारी चीज़ें item हैं, चीज़ें हैं. Amenities क्या हैं? ये services हैं. These are not goods. These are not items, these are services. जैसे कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं,
अगर आपका इलाज कर रहा है तो दैट इज अ सर्विस राइट. एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग, यू आर बाइंग अ सर्विस. सम पीपल चूज बेसिक पब्लिक फंडेड अमेनिटीज व्हाइल अदर्स प्रिफर टू यूज मोर एक्सपेंसिव प्राइवेट अमेनिटीज such as air travel instead of rail travel and overseas education instead of studying in one's own country. Luxuries are those items and services that we do not need but which make our lives more comfortable or enjoyable, such as electronic gadgetry, holidays, jewelry and expensive clothes or cars. Amenities may कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो पब्लिक फंडेड चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते, या गवर्नमेंट जो फंड करती है उनको यूज़ नहीं करना चाहते, वो किसी प्राइवेट फर्म में प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आगा खान से दे आर नॉट गोइंग टू जिना हॉस्पिटल राइट. अच्छा, या फिर कोई एयर ट्रैवल करना चाहता है एयरप्लेन से और वो रेलवे रेल से नहीं ट्रैवल करना चाहता जबकि वो कराची से इस्लामाबाद जाना. ओके, सो दैट इज़ देयर द पर्सनस चॉइस. या कोई अपनी कंट्री से एजुकेशन लेने की बजाय बाहर जाके करता है, तो इट डिपेंड ऑन पीपल दैट फ्रॉम वेयर दे वांट टू गेट देयर नॉलेज. लग्जरियस आइटम्स ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है राइट, बट अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, आपको अच्छा दिखना है, तो यू विल गेट एंड गो एंड गेट बाय पीस ऑफ क्लोथ दैट इज सो मच एक्सपेंसिव एंड अ कार. यू कैन गेट मेहरान बट यू वांट टू गेट कोरोला और न्यू ऑडी या other cars, so it depends on that. Your jewelry, your electronic gadgets, you don't need an iPhone but you want to, right? So that is another case. So these all of them includes in luxuries. Okay, money has to be earned honestly and this usually involves a great deal of time, एफर्ट एंड हार्ड वर्क. ऑब्वियसली ही मनी कहाँ से आएगी, आपको वो कमानी तो पड़ेगी जाहिर है कहीं ना कहीं से, और फॉर दैट यू नीड टाइम, एफर्ट एंड हार्ड वर्क. विदाउट दैट यू कांट अर्न मनी. घर बैठे तो नहीं कमा सकते ऑब्वियसली, सो यू हैड टू डू समथिंग फॉर दैट. वी मस्ट अप्रिशिएट दैट मनी शुड बी स्पेंट वाइजली, थॉटफुली एंड फॉर अ गुड कॉज and shouldn't be wasted. Obviously, if you are like using your time and effort and you are doing hard work to earn money, आप उसे बिल्कुल भी waste तो नहीं करना चाहेंगे. वो चाहेंगे कि कहीं अच्छी जगह पे ये उसे utilize करें और समझदारी के साथ उसे खर्च करें. How do we earn money? People all over the world earn their income in many different ways. Do you know of anybody who earns his income through any of the following ways? आप पैसे कमाने पर कमाई कैसे, ठीक है, तो there are a lot of different ways जिसके through you can make money. For example, manual labor. In this it includes like मजदूर को हम कहेंगे manual labor, कि वो हाथ से काम कर रहे हैं. वर्किंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करें जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और यू आर वर्किंग इन अ हेयर ड्रेसिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर एट्सेट्रा. बिजनेस, यू आर अ बिजनेस मैन एंड यू प्रोवाइड थिंग्स. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, आप चीज़ें बना रहे हैं. For example, you have a lace factory, right? You are making chips. Or you have a toy industry, आप toys बना रहे हैं या कटलरी बनाए हैं. All of these are manufacturing goods.
प्रैक्टिसिंग आर प्रोफेशन लाइक इफ़ यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, तो ये एक प्रोफेशन है, या हेयर ड्रेसर हैं आप, या इफ़ यू आर अ टीचर, राइट, ऑल ऑफ दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, या आप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, सिंगर हैं, डिफरेंट प्रोफेशन हैं ऑब्वियसली. इन्वेस्टिंग मनी इन अ बैंक और सेविंग्स स्कीम, आप अपने बैंक में जो है मनी रख रहे हैं, मतलब किसी बैंक में अपने पैसे रख रहे हैं और उसमें आपको कोई सेविंग स्कीम्स वगैरह हैं, उनके थ्रू भी आप इनकम कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन योर बुक्स, सॉरी कॉपीज, योर कॉपीज, यू हैव टू ओपन योर कॉपीज एंड देन यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ दिस चैप्टर मनी एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. लेट्स डाउन द वेज इन विच पीपल अर्न मनी, वी हैव डन इट राइट हियर. Manual labor, working in a service industry, business, manufacturing goods, investing money in a bank or saving a scheme. What different forms of payment can we use today? We can use credit card and debit cards along with paper money and coins as different forms of payment today. What do money changes do? We can't spend the currency of one country in another. We need to exchange the currency of our own country to which we are traveling. We can exchange money at banks or buy money changers. Okay, after that you have to do the worksheet pad work of this chapter. You have the match the currency to its country. आपको कंट्री को उसकी करेंसी से मैच करना है. देन यू हैव द चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द आंसर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आर इन द प्लानर इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर. दीज आर द आंसर्स हियर. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स and choose the best answers. आपको यहाँ से अपने वर्कशीट पैड में करना है. You don't have to do choose the best answer, true false and fill in the blanks in your copy. You don't have to do any that in your copy. You just need to fill up the answers in your worksheet pad of these three things. And after that your chapter has been completed. Thank you. Allah Hafiz. Take care.